नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार। बातचीत कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार राकेश रंजन जी के साथ। बिहार में प्रशांत किशोर का प्रयोग आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि आए दिन अब यह खबर आ रही है कि कभी राजद के नेता जिला स्तरीय प्रशांत किशोर के जनसुराज के साथ जुड़ रहे हैं, कभी जदयू के, और थोक भाव से आ रहे हैं जिला स्तर, प्रखंड स्तर के, पंचायत स्तर के तो आ ही रहे हैं। तो उनका जो प्रयोग है, ये जनसुराज जो है, अब अक्टूबर में तो ये पार्टी के रूप में भी ये संगठन जो है तब्दील हो जाएगा। तो उनका जो प्रयोग है वो किस रूप में आप देख रहे हैं? क्योंकि उन्होंने जो समीकरण तैयार किया 243 विधानसभा क्षेत्रों के लिए, कि उसमें 75 जो है अल्पसंख्यक समाज के रहेंगे, 75 जो है वो दलित समाज के रहेंगे, फिर 40 महिलाएं होंगी, उसके बाद जो है 40 से पिछड़े, मैंने 40 में लगभग कुछ आधे अधूरे पिछड़े मैंने समाज के होंगे, ओबीसी के होंगे, और कुछ जो है बचे कुछ रह जाएंगे वो स्वर्ण समाज के होंगे। इस तरह का, हालांकि वो खुद कहते हैं कि जातिवाद में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सामाजिक वर्गीकरण कर रहे हैं कि मैंने सामूहिक विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए, मैंने सभी भाग के लोग, सभी समाज के लोग की सहभागिता हो उनकी सत्ता में, जो वो सत्ता का सपना जो देख रहे हैं बिहार के लिए। देखिए, प्रशांत किशोर का जो प्रयोग है वो प्रयोग राजनीति के क्षेत्र में भी पहले भी हो चुका है, और इस प्रयोग को आपको बहुत आसान तरीके से समझना, इसके लिए आप मीडिया के, दुनिया के हम लोग हैं, रहे हैं भी हैं, तो आप यहीं से समझिए कि यह जो है ना कि किसी अखबार का मल्टी एडिशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वही है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो उसकी परिकल्पना भी वही है, तो इसको इस रूप में भी उसका देखा जाना चाहिए कि राजद जैसी पार्टी जो खुद सत्ता में रही है 15 साल, उसके बाद फिर जदयू के साथ 2 बार सरकार में रही, अगर उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और जगदानंद सिंह जैसे वरिष्ठ नेता अगर पत्र लिखने को बाध्य होते हैं, तो यह छोटी बात तो नहीं रह जाती है। और उसके बाद वो जवाब भी देते हैं प्रशांत किशोर। हम वही कह रहे थे। तो मल्टी एडिशन वाला जो मामला होता है तो उसमें क्या होता है कि कारोबार की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है ना, बाजार वही रहता है, उसमें जो हिस्सेदारी होती है ना, कारोबारी हिस्सेदारी, वो बढ़ने बढ़ने की संभावना हो जाती है और बढ़ जाती है, उसमें नए नए प्लेयर को भी मौका मिल जाता है। अब देखिए, आप हमको, हम बताते हैं कि जब कोई अखबार सिर्फ पटना से निकला करता था और वही उसी का एडिशन छप के जमशेदपुर पहुंचता था, क्योंकि हम जमशेदपुर में रहते थे, एक उदाहरण दे दिया, वो अगर तब 10,000 बिक रहा था तो जमशेदपुर में नया सेटअप तैयार किया, यहाँ से संस्करण निकाल रहा, फिर भी वो 10,000 ही बिक रहा, तो उसको लाभ क्या हुआ, खर्च बढ़ा, लेकिन नहीं, उसकी जो बाजार में हिस्सेदारी है, जो बाजार, मतलब बाजार, अखबार के लिए बाजार क्या है, विज्ञापन का बाजार, जहां से हम पैसा आवे, वो हिस्सेदारी बढ़ गई, क्योंकि हुआ कि भाई ये अपना अखबार है, नहीं समझ रहे, यहाँ से निकल रहा है तो प्रोडक्ट भी उसमें दे रहा है कि भाई अरे यहाँ का है, लोकल है, उस हिसाब से बातें बन, तो उनको भी वही है बात है। और उन प्रयोग में जो सफलता मिली, आप देख रहे हैं कि राजद जैसी पार्टियों के जो पदाधिकारी हैं वो अपने नेताओं को चिट्ठी लिख रहे हैं, फिर धमका भी रहे हैं, निकाल बाहर भी कर रहे हैं, तो यह जब जरूरत आ रही है तो फिर वही राजनीति का जो खोखलापन होता है और जो व्यक्तिवादी पार्टी का जो चरित्र होता है वह सामने आता है। बातें तो बहुजन की करता है, लेकिन वहां करना होता है सिर्फ अपनी। आज के तारीख में लालू प्रसाद की ताकत जो है क्या रही है, पहले तो उनके उभार पर आए, लालू प्रसाद का राजनीति उभार तो 77 से गिन लीजिए, आंदोलन, जब से जेपी का आंदोलन हुआ उसमें शामिल रहे,
पहली बार जो भी सफल हो गया सब सफले रहा, जो फेल हो गया फेल हो गया। उधर में बहुतों को टिकट मिला था, जो जीत गया सफल हो गया सफल निकल गया, जो हार गया वो कहाँ चला गया गर्त में। हम बहुत है उसकी कहानी, हम क्या बतावे, वो हम जानते हैं और देखे भी। तो लेकिन असली उभार तो मंडल के समय में आया, तो कर्पूरी जी के बाद जो ये मुख्यमंत्री बने, और उस समय इनका रथ रोका, क्या बोलते हैं, लाल कृष्ण अडवाणी जी आडवाणी का, अडवाणी जी का, और जो देश में जो धाराएं दो बन गई, बीपी सिंह की सरकार गिर गई, उलट गई पलट गई, तमाम बातें हो गई। तो उनकी बड़ी पूंजी क्या थी? वही पूंजी थी जो कांग्रेस की पूंजी थी, इधर सिमट गई, ठीक है ना, शिफ्ट हो गई। कांग्रेस का क्या पूंजी था? सवर्ण थे, दलित थे, मुसलमान थे, यही जो ना पिछड़े की जो राजनीति हो रही थी, वो तो बिहार की राजनीति में पिछड़ा लोग की राजनीति की तो अलग धारा बह ही रही थी, लंबे समय से बह रही थी। तब तो बीपी मंडल कौन 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 कर्पूरी उर्पूरी बहुत लोग रहे हुए थे, वो देखे हुए बात है। लेकिन इन्होंने उस पर एक अधिकार जमाया, तो जो वोट बैंक की ताकत थी क्या थी? पिछड़ा लोग हो गए, उनका जाति के नाम पर अपनी जाति के नाम हो गए, बड़े जो वोट बैंक मुसलमान का था कांग्रेस का इधर शिफ्ट कर गया। क्योंकि मुसलमानों का जो अब तक ट्रेंड रहा है वोटिंग का, कि जो सत्ता विरोधी, माने जहां हम सुरक्षित रहे वहां चले, ठीक है, यह है, माने एक डरा हुआ वोटर उनको हम ठीक कहते हैं। आज के तारीख में उसकी भी परिभाषा बदली है, अब बदली यह है कि मुसलमान लोग भी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। जो आई जाति समीकरण की बात, सब कुछ है कि भैया तो आप हमको जातीय गौरव का बोध करा करके, हमको भाजपा से डरा करके, यह करके वह करके कितना दिन रखिएगा, हमको भी तो कुछ दीजिएगा ना, कुछ कथनी करनी में फर्क होगा। तो आज के तारीख में मुसलमान भी यह सवाल उठा रहे हैं ना कि हम आपको वोटे कब तक देते रहे, हमको भी तो कुछ दीजिए, सवाल यह उठने लगा। तो वो जब नाराज होगा तो कहाँ जाएगा? तो भाया नीतीश कुछ ना कुछ एनडीए में चला जाएगा, लेकिन उसमें बड़ा तबका नहीं जाएगा, क्योंकि वहां सामने भाजपा खड़ी है और भाजपा तो खुली किताब है, तो कहाँ जाएगी, रास्ता तलाशेगी। तो चूंकि जमीन पर वर्क किया और राजनीतिक दलों के लिए काम करते रहे, लालू के लिए भी काम किया है, नीतीश के साथ भी रहे हैं, अरे इनका तो क्या बोलते हैं, प्रशांत किशोर का तो दिखा हुआ है ना, वो लोग रहे हुए हैं, उन्होंने घूमा भी है, पकड़ा है, कहाँ संतोष है क्या है, यहाँ सारण में आपको ऐसा प्रयोग लग भी। रहा है कि यह प्रयोग उनका जो है वो बिहार में कुछ हद तक या काफी हद तक सफल होगा और ये राजनीतिक दलों के लिए चिंता का सबब है? देखिए राजनीतिक दलों के लिए चिंता का सबब किसके लिए है, नहीं देखिए वहां क्या बातें होगी ना, कि उसमें दो पर बातें हैं। नहीं, अगर प्रशांत किशोर जो प्रत्याशी उतारेंगे तो निश्चित तौर पर प्रत्याशी बहुत ही अपने ढंग से अलग होंगे, माने जो उनके प्रयोग में जो फिट बैठेंगे। तो एक तुलनात्मक अगर आप देखें कि इन दलों की पुरानी परिपाटी के नेता होंगे, तो ऐसे में क्या वो प्रयोग सफल होगा? देखिए चेहरा कौन होगा नहीं होगा इस पर आइएगा, देखिए देखने के लिए अभी बहुत सारी बातें हैं, इसलिए करेगा अभी भी जल्दीबाजी नहीं है। प्रशांत किशोर के साथ भी जो चेहरे होंगे वो चेहरे कौन होंगे? अगर आप राजद से असंतुष्ट लोगों को, नाराज तबके को आप अपने पास ला रहे हैं, तो यकीन मानिए कि अगर वो राजद में इसलिए थे कि हमारा कुछ हिस्सा देना है, हमारी बातें हो रही है, वो राजद में परोपकार करने तो गए नहीं थे, वो तो यहाँ इसलिए नहीं गए थे कि भैया हमको पालकी ढोते रहना है और सब कुछ करना, वो तो गए थे कि हम भी एमएलए बन जाएंगे, जिला परिषद सदस्य बन जाएंगे, जिला परिषद से विधान परिषद चले जाएंगे, नहीं होगा तो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बन जाएंगे, फलाना बन जाएंगे, ढेकाना बन जाएंगे, कहीं ना कहीं असंतोष है तब वो आ रहे हैं। तो वो भी तो वहां एक जगह से खो करके कहीं कुछ पाने आ रहे हैं, तो फिर वहां भी देखना होगा, क्योंकि जो राजनीति जो बिहार की है आज के तारीख में, वहां भी तो घालमेल वाली स्थिति हो गई है ना। कौन भाजपा में, आप आके 90 में खड़ा हुई, ठीक है ना, और 90 में खड़ा हुई और आज के तारीख में आके 24 में खड़ा हो जाइए, और तमाम राजनीति में जो चेहरे हैं, तमाम दलों में जो कम से कम सफल हैं उन्हीं को जोड़ लीजिए, असफल तो छोड़ दीजिए अभी किनारे रखिए, वो कौन लोग हैं? क्योंकि पीढ़ी, नई नई पीढ़ी भी आ गई, हम कभी तुलसीदास मेहता को देखते थे तो अभी आलोक दास मेहता है, ठीक है ना, वो जायसवाल जी को देखते थे तो अभी संजय जायसवाल हैं, फलाने को देखते थे तो कौन पिंटू हैं,
ब्रिज बिहारी को देखते थे तो रमा देवी हैं, ठीक है ना, माने पीढ़ी आ गए, नई पीढ़ी आ गए, लेकिन कौन कहाँ है सो देखिए। जगदानंद सिंह थे तो उनके बेटे हैं, बेटा उछल के कब थे कब इधर थे वो भी देख लीजिए। यही जगता बाबू के बेटा जो अभी आरा से जीते हैं, वो तो भाजपा से भी चुनाव लड़ने गए थे ना, भाजपा में भी गए थे। जगदा बाबू अपने जो है जनता दल में, राजद में थे, फिर आ गए, फिर टिकट दिया, वही गए लड़े। तो यहाँ जो यह स्थिति भी नहीं, तो फिर वही स्थिति जाके जब वहां बनेगी प्रशांत किशोर की पार्टी में, तब तो फिर मुश्किल खड़ी होगी। हाँ बिल्कुल, बेदाग नए चेहरों को लाइए, और जो असंतुष्ट ताकत आपके साथ आ रहा, ठीक है ना, उसका मैंने उसकी ताकत का इस्तेमाल करिए, ठीक है ना, और फिर जीत के आइए। तो वहां विभिन्न तरह की अभी भी स्थिति बननी बाकी है, लेकिन हाँ फिर वही जो विकल्पहीनता की स्थिति है, तो उसमें जो कह रहे हैं और जो तमाम तबके मिलेंगे वहां, वही रिश्तेदारी की बात पर ही लोग नाराज हैं, जो आज के तारीख में जो लोग छोड़ के जा रहे हैं। और जो राजद को यह कहने की जरूरत पड़ रही है, यह कहने की जरूरत भाजपा को नहीं पड़ी है, पर रही होगी अंदरूनी तौर पर। भाजपा अगर नहीं कह रही है तो लोग जो कह रहे हैं, जैसे राजद के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा की बी टीम है, तो क्या आप भी मानते हैं कि वो भाजपा की बी टीम है? वही कह रहे हैं, हम बी टीम, ए टीम का हम प्रमाण देने वाले कौन है भैया? ये प्रमाण जनता को देना है, उसको तय करना है। लेकिन भाजपा कहीं ना कहीं अगर चुप है, वह इस बात का भी जवाब नहीं दे रही है कि हाँ हम बी टीम है, हमारी वो बी टीम है कि ये टीम है, तो राजनीति है, भाजपा क्यों कहने जाए? अगर वो इसकी बी टीम है भी है, प्रशांत किशोर की टीम, तो भाजपा क्यों कहेगी? आप राजनीति में आज के तारीख में सबसे बड़ी कमजोर तो नस आपकी दब गई ना। आपको अगर हो भी रहा है ऐसा कि आपके लोग छोड़ करके जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं इस पर मंथन करिए, आपस में उस मसले को सुलझाइए कि आप जाइए खुले तौर पर सलाह देने, और उसको बी टीम बता करके प्रशांत किशोर का क्या हासिल करना चाहते हैं? आप यही कहना चाह रहे हैं ना, आप अपने वोटर को यह संदेश देना चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को अगर वोट दोगे तो बहुत बुरा हो जाएगा, वो तो भाजपा का आदमी है, उधर मिल जाएगा, उधर चल जाएगा, उसका काम हो। करेंगे ठीक चल। ठीक ठीक